ऐसे करेंगे। दो सालों से एक ड्रीम था कि अपने पास भी एक गेमिंग चेयर होना चाहिए। बड़े बड़े क्रिएटर्स को देखा भाई ग्रीन सोल का गेमिंग चेयर यूज करते हुए। वैसे प्लान था सर्कल का लेने का, सर्कल अवेलेबल ही नहीं है, इससे भी ज्यादा कॉस्टली आता है गेमिंग चेयर। तो परचेज हो गया है ग्रीन सोल का गेमिंग चेयर, तो आज अनबॉक्स करके दिखाएंगे। इससे पहले हम लोग ये सस्ता सुस्ता टिकाऊ यूज कर रहे थे, काफी पुराना है, इससे बहुत सारी यादें हैं, कभी शेयर करेंगे आपको इस चेयर को कैसे घर तक पहुंचाया गया था वो बताएंगे। तो ये है, बहुत ही कॉस्टली है भाई साहब, इतना इन्वेस्टमेंट एक चेयर में लगता है। तो चलिए साहिब जी लग जाइए, इसे ओपन करिए। अगर आप सोच रहे हो कि गेमिंग चेयर ऑर्डर करोगे और मस्त एकदम बना बनाए मिल जाएगा, लगाए और बैठना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बड़े बॉक्स के अंदर, इतना बड़ा बॉक्स के अंदर भाई ये देखो, टुकड़ों टुकड़ों में चेयर को डिलीवर किया गया है। तभी बैठ के इसको असेंबल करना पड़ेगा, जो कि सबसे टफ काम है। भले इन लोगों ने वाह ग्लव्स व्लव्स सब दिया है, डॉक्टर वॉक्टर वाला एकदम फील आ रहा है, मस्त यार ऑपरेशन थिएटर में क्या सही। इतने सारे पार्ट में जा करके तब लास्ट पार्ट में ये असेंबल होगा, बहुत ही टफ काम लग रहा है जी। बात बोलना चाहेंगे भाई, क्वालिटी क्या क्वालिटी मिला है देख रहे हो, एकदम जो सीट का जो होता है ना, जैसे रेसिंग सीट का जो कवर होता है ना भाई, एकदम तगड़ा लग रहा है देखने को। तो जितना मैकेनिज्म है भाई, इससे आराम से एकदम तुम डंबल मार सकते हो, कोई टेंशन नहीं होगा, एकदम लोहा का है। हम लोग सोच रहे थे कि आसान होगा, मैनुअल देख के आराम से कर लेंगे, लेकिन जरा भी ऐसा नहीं है भाई, एक एक पार्ट जॉइंट करने में हालत खराब हो जा रहा है। अभी हम लोग बस ये देखो व्हील एडजस्ट किए हैं और ये हैंडरेस्ट को यहाँ पे लगा रहे हैं, बाकी इतना बड़ा बड़ा भी लगाना बाकी है। सो फाइनली ये रहा फुल्ली असेंबल चेयर। वैसे आप लोग जितने भी क्लिप्स अभी देख रहे थे वो काफी पहले शूट किए गए हैं, जब ये स्टूडियो बन रहा था उससे नहीं, अभी ये प्रेजेंट डे पे शूट किए जा रहे हैं। तो देखो ये चेयर कितना कंफर्टेबल है, और एक इसका मैं दिखा दूं, ये ऐसा ना कि ये गिरेगा नहीं, एकदम पूरा नीचे चला जाता है। तो फाइनली ग्रीन सोल का गेमिंग चेयर भी परचेस कर लिया हमने। आपको ये परचेस करना होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अमेजोन फ्लिपकार्ट से आप परचेस कर सकते हैं। नो डाउट थोड़ा सा कॉस्टली तो है, लेकिन मैं आपको ऑब्वियसली बात रिकमेंड करूंगा, दिन भर आपका स्टूडियो वाला काम होता है, बैठना रहता है ना दिन भर, तो डेफिनेटली आपको एक चेयर इन्वेस्ट करना चाहिए। लंबे समय तक बैठ कर काम करते हो ना, तो आपका बॉडी पोस्चर जो है ना इस तरीके से स्ट्रेट रहना चाहिए, सो दैट यहाँ पे बैक में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये चेयर तो एक नंबर है भाई, मजा ही आ गया, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको बताया था कि इस चेयर के बारे में आपको स्टोरी बताएंगे, तो ये स्टोरी अपने मुंह से नहीं बताएंगे, आज मम्मी जी है, मम्मी से ही आप लोग सुनिए कैसे चेयर आया था घर में, बताओ मम्मी थोड़ा सा। हाँ, कैफी का बर्थडे, बोले कि बाबू तुमको बर्थडे विश करना है, बोला कि नहीं बर्थडे में तो मम्मी हमको शर्ट वर्ट नहीं चाहिए, कपड़ा वपड़ा नहीं चाहिए, बोला अच्छा आपको जो देना है हमको कुछ पैसा जो होता है अपना दे दीजिए, हम अपना मिला के हम एक चेयर ले लेते। तो वही समथिंग है 1500 रुपए कुछ, 1500 में, और हमको याद है कैफी इतना मुश्किल से चेयर को लाया था। पूरा मतलब ऐसा है ना कि 15-20 किलोमीटर दूर होगा, और बाइक में पापा बाइक चला रहे थे, और पीछे हम ऐसे सर में इसको ऊपर में रख करके लाए थे, पूरा गर्दन में ऐसा टेढ़ा हो गया था। ये कहानी इस चेयर का, तो ये घर का सबसे पहला ऐसा घूमने वाला चेयर भी है। और आज मम्मी जी 20,000 का शेयर वहाँ पे पड़ा हुआ है। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना। तो वही है, हम लोग भी यही बोलना चाहते हैं कि मेरे ब्लॉग को एज अ मोटिवेशन लिया करो, मैं कोई ऐसा शो ऑफ वगैरह नहीं करता हूँ, जो भी है धीरे धीरे करके हम लोग भी ऊपर हुए, तो आप लोग भी ऐसे ही करेंगे तो डेफिनेटली ऊपर जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। तो ऐसा शौक मत लिया करो, एज अ मोटिवेशन लिया करो मेरे ब्लॉग पर से। बहुत दिनों से हमारी मम्मी जी भी बोल रही थी कि किचन का भी थोड़ा हुलिया वगैरह सुधारने को, तो अभी क्या है कि काम तो ऐसा लगा हुआ है, और मुझे भी नहीं पता है कौन कौन सा काम होना है, तो मम्मी जी आप ही बताइए क्या काम करवा रहे हैं किचन में। किचन तो पूरा अस्त-व्यस्त पूरा पड़ा हुआ है, और चाहे किचन जैसा ड्रॉल सजा बना ले ताकि सामान सब रखने में सुविधा हमको हो जाए ना, किचन छोटा तो है। अभी तक हमको पता नहीं क्या क्या बन रहा है, बस यहाँ पे एक रैक बनाने का सोच रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक रैक होगा और फिर इसको जैसे कवर कर देते हैं, कवर जैसा ये बन जाए, कवर बन जाएगा और नीचे में पूरा ड्रॉअर ना, नीचे पूरा ड्रॉअर बन जाएगा। और अभी तो देख रहे हैं कि खाना वाना ही बनाने में दिक्कत हो रहा है किचन में, चूंकि यहाँ पे काम चल रहा है, और कहती अचानक से कैमरा लेके पहुंच जाता है। हम लोग ब्लॉगर सब ऐसे ही पहुंचते हैं, अचानक से ही पहुंचते सब जगह के, तब ना मजा आता। तो हमने पूरा फ्रीडम दिया है, जैसा मर्जी वैसा बनाने को बोल दिया गया, क्योंकि जिसका जो डिपार्टमेंट होता है वो उस पे काम करे तो अच्छा बात है। जैसे हम ऊपर स्टूडियो बना रहे थे तो तुम लोग का तो नहीं चला, मत बोला कि मम्मी ये खराब हुआ ये खराब हुआ, क्योंकि तुम बोला था कि ये ट्रेन का डब्बा तो नहीं बन जाएगा।
नहीं नहीं कोई ट्रेंड अच्छा ठीक है जैसा भी बनेगा आप अपना पसंद है तो होना चाहिए नमस्ते। तो एक बार बन जाएगा उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। यहीं पे बाहर में ही सारा बॉक्स वगैरह बन रहा है, इधर से ही बन के सारा किचन में जा रहा था। आइए आइए सब कोई बैठिए चलिए रुकिए बाहर ठीक दिख रहा है। आइए आइए बैठ जाइए सब कोई चलिए चलिए सामने आइए सब कोई। प्रोग्राम होगा क्या? आज प्रोग्राम होने वाला है। रुक जा सबर करो। गाइस आज हम लोग थोड़ा प्रोग्राम देने वाले हैं जिसमें हमारे साथ हर्षी करीम भी रहेगी, तबला मैन रहेगी, यहाँ पे तबला बजाएगी, मिस्टर साहिल भी रहेंगे जो इसका तबला बजाएंगे और इधर हम गिटार बजाएंगे। ठीक है सब रेडी है? रेडी है। इसको सर मत मारना, सर मैंने मारना, यहाँ मारना। चलो 3 2 1 स्टार्ट। सोफा बजा रहा था करीम, कैसा फील हो रहा आपको तबला बजा के? अच्छा लग रहा है। साहिल होगा पीछे पिटा के, कैसा लग रहा है गाइस लोग को बताइए। चलो ठीक है ये वाला स्लो गाना है, ठीक है धीरे धीरे बजाना। दूसरा आएगा फिर से होगा। ठीक है चल स्लो गाना बजाएंगे जिसमें बीट भी स्लो रहेगा। मिस्टर दोनों तबला वादक लोग ड्रमर लोग ठीक है। हाँ तो देखो अब ये वाला गाना है, बहुत दिन के बाद बजाए भूल गए थे कैसे था। हल्का हल्का बीट बोरिंग हो जा रहा है, प्रोग्राम बोरिंग जा रहा है तो हम लोग अब प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग फिर से आएंगे। अगर आप लोग का डिमांड रहा है तो मम्मी जी का आवाज कम रहा तो ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। उसको नहीं ढकना है, लेंस यहाँ ढकना रहता है उसको ढक रही है। चलो चलो ठीक है कटो। हाँ ठीक है सबके बाल उल्टी कर रहा हूँ मैं। बाल उल्टी कर रहा है कौन ठीक कर रहा है?